17 व 18 फरवरी को हुई उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कई जगहों पर पेपर लीक का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किए गए। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए शनिवार यानी 24 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही कहा कि अगले 6 महीने में भी री एग्जाम होगा। योगी सरकार के इस फैसले ने लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी, वहीं दूसरी ओर उनके मन में कई सवाल भी खड़े हो गए। दोबारा परीक्षा कराने के लिए समय सीमा दी गई है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद क्या यूपी पुलिस भर्ती पुनः परीक्षा के लिए फॉर्म दोबारा भरना होगा? यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख बदल जाएगी तो क्या अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में कोई छूट दी जाएगी? यूपी पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट के लिए डेट क्या होगी? यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोबारा परीक्षा कब होगी? इसी तरह के कई सवाल लोगों के मन में हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए यूपी पुलिस री एग्जाम अगले 6 महीने में दोबारा आयोजित होगा, यानी अगस्त 2024 तक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा का फिर से आयोजन करेगा। इसका निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, लेकिन परीक्षा की तारीख क्या होगी इसकी घोषणा यूपीपीआरपीबी ही करेगा। बोर्ड अपनी ऑनफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि कोई भी जानकारी के लिए सीधा बोर्ड की वेबसाइट को ही चेक करें। यूपी पुलिस री एग्जाम फॉर्म या उम्र सीमा को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है और ना ही परीक्षा की तारीख बताई गई है। इस संबंध में किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।